बार बार याद दिलाना पड़ेगा तुम्हें, हाँ भूल जाते हो, सिखाती रहूं तुम्हें। एक रिपोर्टर ने तुमसे सवाल किया और तुम चुप हो गए, सांस सूंघ गया था तुम्हें, जवाब नहीं था तुम्हारे पास। ये मत भूलना कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हारे करियर के लिए तुम्हें सुपरस्टार बनाया है। आगे से अगर कोई भी तुमसे तुम्हारे अतीत के बारे में सवाल करेगा तो वही बोलना जो मैंने तुम्हें सिखाया है, उसी बात का रट्टा मार के रखना जो मैंने तुम्हें रटवाया है, समझे तुम? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। कि आगे से ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। 5 मिनट में कॉन्सर्ट रेडी हो जाएगा, जल्दी से टचअप करो और बाहर आओ। तुम अभी तक यहीं बैठे हो? Move now! लेते हो, ये लो पानी पियो, पानी पी के अंदर जाकर रेस्ट करो प्लीज। मेरे नींद नहीं आ रही है, जीप जा लग रहा है। मेरा ख्याल है मैं नीचे जाके थोड़ा टहल के आती हूँ, खुली हवा में, ताजा हवा में जगह लगेगा मेनो। आई नो आज दादी इतना अनईजी फील क्यों कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पाती के साथ अपनी पुरानी दोस्ती याद आ रही है, इसीलिए वो इतनी डिस्टर्ब। रात को कहाँ टहलोगे आप? ऐसा करो यहीं पे थोड़े चक्कर लगा लो, आपको बेटर फील होगा। नहीं ओए, घर के अंदर कोई ताजा हवा मिलती है, और वैसे भी मिसेस शर्मा है ना, वो निकलती है रात को टहलने के लिए, मैं उसके साथ ही टहल के आती हूँ। मैं चलूँ आपके साथ? नहीं नहीं तू चिंता ना कर, मैं आती हूँ। ध्यान रखी, चिंता ना कर। अरे मधु, ये तू रात को कहाँ जा रही? घर में कोई अच्छा नहीं लग रहा है विश्वा, थोड़ा ऐसा घुटन सा हो रहा है, मैं थोड़ा बाहर घूम के आती हूँ। क्या इशी होम? अभी तक घर नहीं आई है? It's too late. ठीक है, I'll call her up, okay? Thank you. आते लड़की अभी तक घर नहीं पहुंची है, आज तो उसको बहुत डांट पड़ेगी मुझसे, very careless. ये फोन भी नहीं उठाएगी मेरा। रात के 2:00 खुद ही जाके उसको लेकर आती हूँ। दिस गर्ल नो। एक्सक्यूज मी। आप अभी मेन्यू को अटेंड कर रही है ना? मैं कुछ बहुत जरूरी काम से जा रही हूँ, प्लीज आप देख लीजिएगा, एंड यू हैव माय नंबर राइट, सो प्लीज आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। थैंक यू। वाह, क्या कॉन्सर्ट था, रुहान ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, आई लव रुहान। अरे मेरा तो सोने का टाइम हो गया, विंडो भी खुली है, मैं विंडो बंद करती हूँ। ओहो, ये देखो दोनों झगड़ा करके तो मिले हैं, पर फिर भी अलग अलग,
दादी अय्यर आंटी से इतना अलग क्यों रहती हैं? अब पीहू तुझे ही कुछ करना होगा। दादी ने कहा था अगर मैं और आदि भैया इतना झगड़ा करेंगे तो वो हमें रूम में बंद कर देगी। तो फिर जितना भी झगड़ा करना है करो और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। अगर मैं इन दोनों के साथ भी ऐसा करूं, यस मैं भी यही करूंगी। पीहू, पीहू बेबी, इतनी रात को कहां जा रहे हो अकेले? अरे मैं नीचे वॉक करने के लिए जा रही हूँ। अरे पीहू, ये तो अकेले भाग गई, मुझे भी जाना चाहिए इसके पीछे। रूहान सर अपने हर कॉन्सर्ट के बाद ये चिट्स अपने फैंस के बीच फेंक देते हैं। इन चिट्स में एक हार्ट होता है, वो हार्ट जिस किसी फैन को मिलता है उसे रूहान सर के अगले कॉन्सर्ट में फ्री पासेस मिलते हैं। तभी तो फैंस हार्ट मांग रहे हैं। जाने किस खुशकिस्मत को रूहान का दिल मिला होगा। अम्मा, आलिया, कितना देर से रूहान को देखा? आई सॉ, लेकिन तुमने कितना लेट किया? तुम्हारी रख।
अम्मा आर फॉर रूही नहीं, आर फॉर रुहान। यू नो व्हाट, वो अपने हर कॉन्सर्ट के बाद अपने फैंस के ऊपर ये चिट फेंकता है और उसके लकी फैंस को ये हार्ट मिलता है। यू आर सो लकी अम्मा, आई एम सो हैप्पी। नहीं रियली तो रूही का दिल है, आर फॉर रूही अम्मा। आई लव यू।